थी कि इनको देखते हुए शपथ लेते हुए ये सवाल आ रहा है दिमाग में कि क्या ये सरकार उनकी है जिन्होंने इनके लिए वोट किया या उनकी है जिन्होंने इनके लिए वोट नहीं किया। सूर्य प्रताप शाही बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं पहले उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल के बड़े नेता हैं और प्रारंभ पूर्वांचल। सुरेश खन्ना, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के सभी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुरेश खन्ना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। यह महत्वपूर्ण है, जब विधायकों की बैठक चल रही थी तब यह सवाल था कि प्रस्ताव कौन रखेगा, तो प्रस्ताव रखने के लिए इनके नाम को सामने केशव प्रसाद मौर्य ने रखा था और उसके बाद इन्होंने 8 बार लगातार जीते। इनका सुरेश खन्ना के साथ शाहजहांपुर और रोहिलखंड का प्रतिनिधित्व इसमें आ जाता है और आपको चर्चा के दौरान सुरेश खन्ना का नाम एक बार मुख्यमंत्री के लिए भी चर्चा में रहा था भारतीय जनता पार्टी के सर्किल में, पुराने नेता। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो स्वामी प्रसाद मौर्य एक पहचान मायावती के साथ लंबी राजनीतिक पारी खेलने का और उसके बाद जब इन्होंने पाला बदला तो फिर उसके बाद इनके बच्चों तक को भी टिकट मिला। पटरौना से विधायक हैं देवीपाटन इलाके से और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अपने प्रवेश को सही साबित किया है, जीत में भी योगदान दिया और अपने लिए मंत्री पद भी हासिल किया। और ये पंच जो है ये मायावती ने ही बनाया था, शायद अपने लिए बनाया था, अब उनके हिस्से में नहीं आया। मैं सतीश महाना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सतीश महाना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक
निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सुनिए कि जितने अभी तक मंत्रियों ने शपथ लिया वो उम्र में चीफ मिनिस्टर से ज्यादा है। सतीश महाना कानपुर से आते हैं, पिछली भाजपा सरकार में भी मंत्री रहे थे, पुराने भाजपाई नेता हैं और इनको प्रधानमंत्री और अमित शाह का करीबी माना जाता है। सतीश महाना कानपुर कैंटोनमेंट के इलाके में बड़े लोकप्रिय हैं और कहा जाता है जब सुबह इनका दरबार लगता है तो इनके दरवाजे पर जाइए तो उसके बाद आपके सारे काम हो जाएंगे। मैं राजेश अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगा। मैं राजेश अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ये जो पूरी फेरिस्त चल रही है कैबिनेट मिनिस्टरों की चल रही है, जैसे उनके पूरे जो उनको मिलेगा एक लिहाज से का जो मंत्रिमंडल मिलेगा उसके जो पद मिलेंगे उसके लिहाज से है कैबिनेट मिनिस्टर में ग्रहण करने का कष्ट करें। अब छठे कैबिनेट मंत्री के तौर पर पहले मैं रीता बहुगुणा जोशी ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रीता बहुगुणा जोशी ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समग्र निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। तो सत्ता की राजनीति में टाइमिंग बहुत मायने रखती है और रीता बहुगुणा और उससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, तो छह कैबिनेट मिनिस्टर ने शपथ ली है। दो ऐसे हैं जिसमें एक मायावती का साथ छोड़कर आए और दूसरे जिन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा, और एक विरासत हम कह सकते हैं हेमवंती नंदन बहुगुणा ने जब इंदिरा गांधी का साथ छोड़ा था, उसके बाद इनके भाई जब उत्तराखंड में थे उन्होंने जिस रूप में स्थितियों को पलटा था, और अब प्रीता बहुगुणा। मैं दारा सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं दारा सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। दारा सिंह चौहान सातवें कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि लगभग 60 मंत्री हो सकते हैं उत्तर प्रदेश में और 50 मंत्री शपथ लेंगे आज मुख्यमंत्री मिलाकर।
तो मिनिस्टरों या कैबिनेट छोटी मोटी नहीं है बल्कि एक लिहाज से जम्बो कैबिनेट के साथ ही शुरुआत हो रही है। मैं धर्मपाल सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं धर्मपाल सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय। जी पुण्य, इसके साथ आप देखें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश से दो मंत्री आ गए हैं, बरेली कैंट से राजेश अग्रवाल और सहारनपुर नकुड़ से धर्मपाल। मध्य उत्तर प्रदेश से तीन मंत्री हो गए हैं, सतीश महाना। ये पढ़े लिखे हैं, हम ये जानकारी दे दें, LLB MA BEd सब किया हुआ इन्होंने, तीसरी बार जीत के आए। SP सिंह बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं SP सिंह बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण जीत है, ये यादवलैंड से जीत कर आए, जलेसर से। SP सिंह बघेल के बारे में बड़ा महत्व है, एक जानकारी दें कि जब भी ये बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचते हैं तो आगरा का पेठा लेकर जरूर पहुंचते हैं। और हमें याद है कि 2014 में जब मोदी जीते थे तो इन्होंने आगरा का पेठा हमें प्रेजेंट किया था कि आप इसे ले जाइए और अपने दफ्तर में खिलाइए, तो ये पेठा लेकर आते हैं हमेशा जब भी दिल्ली आते हैं। टुंडला जलेसर से हैं और ये मुलायम सिंह के परिवार के गढ़ का इलाका है जहां से। मैं सत्यदेव पचौरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सत्यदेव पचौरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। 10वें कैबिनेट मंत्री हैं चौधरी साहब, जी कानपुर आने बीजेपी कानपुर को दूसरा मंत्री मिल गया। हाँ। सतीश, कानपुर शहर से दो मंत्री, गोविंद नगर और से शपथ ग्रहण करने का कष्ट, पचौरी और कैंट से महाना।
कानपुर के दो घर, ये बड़े नज़दीक है मुरली मनोहर जोशी जी के भी। चौधरी साहब, मैं रमापत शास्त्री ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूँगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं रमापत शास्त्री ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जब वे ऐसी मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। एक दिलचस्प बात यह है कि चर्चा ये थी कि उनको विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, भाजपा में दलित नेता हैं और पुराने दलित नेता हैं, ये भी संभावना थी कि हो सकता है इनको भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन अब उनको कैबिनेट में जगह दी गई है। हमको लगता है विधानसभा अध्यक्ष के लिए चर्चा शुरू होगी कि कौन बनेगा। बीएसपी के ही उम्मीदवार को हरा कर पहुंचे हैं रमापति शास्त्री। 11 कैबिनेट मिनिस्टर्स की हो चुकी है शपथ ग्रहण और उसके बाद अब 12वें कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर, तो कुल 21 हैं कैबिनेट। मैं जय प्रताप सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जय प्रताप सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सिद्धार्थ नगर के फेफेना विधानसभा से चुनकर आए हैं जय प्रताप सिंह, पुराने बीजेपी से जुड़े हुए नेता हैं और इस बार जीते हैं और इन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। ओम प्रकाश राजभर कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं ओम प्रकाश राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ओम प्रकाश राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। छोड़ी थी तब मायावती से सवाल पूछा गया था कि क्या असर पड़ेगा, उस दौर में उन्होंने कहा था हमारे यहाँ वोट निर्धारित है, जनता तय है, कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन असर क्या होता है वो धीरे धीरे सबको समझ में आया। इनकी अपनी पार्टी है, ये गठबंधन
के तहत ये पहले कैबिनेट मिनिस्टर हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया इस पार्टी ने अपनी सीटों सीटों पर। मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतरकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय मायावती का साथ छोड़ा और एक वक्त मायावती के दाएं बाएं नजर आते थे, संसद के भीतर रणनीति बनाते हुए दिखते थे मायावती के लिए, लेकिन अब साथ छोड़ा तो फिर अब कैबिनेट मिनिस्टर का पद भी इन्हें मिला है। ब्रजेश पाठक दो बार बीएसपी के सांसद भी रह चुके हैं। हाँ वही कह रहे, संसद के भीतर रणनीति बनाते हुए अक्सर मिलते थे, बीएसपी के लिए हम रणनीति बना रहे हैं। लक्ष्मी नारायण चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं लक्ष्मी नारायण चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो उत्तर प्रदेश में जितने जिले हैं उतने मंत्री तो नहीं बनेंगे, लेकिन मथुरा से दो मंत्री जरूर बनेंगे। ये मथुरा के छात्रा से जीते हैं और श्री दूसरे जो आएंगे शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें वो भी कैबिनेट स्तर के मंत्री बनने वाले हैं। तो मथुरा के दो मंत्री रहेंगे, लेकिन आइए अब 16वां नंबर। मैं चेतन चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंत्यकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चेतन चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। क्रिकेट के कार्यक्रम में अक्सर विशेषज्ञ रहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के भी हैं। बताइए अभी आएंगे कि नहीं विशेषज्ञ के तौर पर? विशेषज्ञ के तौर पर क्रिकेट हम नहीं आएंगे, नहीं सिद्धू सोच सकते हैं वो रहेंगे, कपिल शर्मा ने तो ये नहीं सोचा, लेकिन अभी भी द्वंद्व चल रहा है वहाँ पर, किस किस ने उसको उनको अभी तक तो दी नहीं इजाजत। तो आज तक के क्रिकेट प्रोग्राम में अक्सर विशेषज्ञ तौर पर चेतन चौहान आते हैं, लेकिन अब ये मैं
मैं श्रीकांत शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं श्रीकांत शर्मा ईश्वर की शपथ अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। शर्मा आप कैबिनेट मिनिस्टर बन चुके हैं उत्तर प्रदेश में और कहते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर जाइए, तो अमित शाह क्या सोच रहे हैं ये जानना हो तो श्रीकांत शर्मा से मिल लीजिए, बेहद करीबी। श्रीकांत शर्मा की जीत उत्तर प्रदेश की सबसे भव्य जीत में से एक है, 1,00,000 से अधिक वोट से मथुरा से जीते हैं और पार्टी का चेहरा रहे हैं 2014 के चुनाव से अभी तक विभिन्न टीवी चैनलों। 5 लोग जीते हैं 1,00,000 से ज्यादा वोट से, उसमें एक श्रीकांत भी हैं जो महत्वपूर्ण है। हालांकि साहिबाबाद सीट से 1,50,000 से जीतने वाले सुनील शर्मा, उन्हें इस मैं राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो प्रतापगढ़ के पत्ती विधानसभा क्षेत्र से ये जीत कर आए हैं और मोती सिंह इलाके में मोती सिंह श्री सिद्धार्थनाथ सिंह कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। और एक जाना पहचाना चेहरा सिद्धार्थनाथ सिंह का भी जो कि तमाम जगहों पर, ये शास्त्री जी के पोते हैं जी, उनके परिवार से आते हैं, उनके नाती हाँ। नाती है। और दिल्ली में पार्टी का चेहरा रहे हैं काफी। सिद्धार्थनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय रखूंगा। मैं सिद्धार्थनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो सिद्धार्थनाथ सिंह नाती लाल बहादुर शास्त्री के, और ये भी बता दें कि बीच में एक बार एक फिल्म वाले ने ऑफर किया था कि जब फिल्म बनाएंगे सुभाष चंद्र बोस पे तो आपको एक्टिंग करनी है। मैंने बोला था नहीं, मैं एक्टिंग नहीं करूंगा, तो राजनीति में काफी एक्टिंग करनी पड़ेगी। 18-19 हो चुके हैं कैबिनेट मंत्री, 2 और कैबिनेट मंत्री बचे हुए हैं, ये 20वां नंबर है, 21 कुल। मैं मुकुट बिहारी वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित
भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता और सुख अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या अक्षुभा अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।